अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलें जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए चपली कबाब बनाने का आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। हमारे पास था मटन के भी आप बना सकते हैं, बीफ के भी बना सकते हैं। हमारे पास बीफ था तो हमने बीफ ले लिया है। असल जो रेसिपी होती है वो बीफ की होती है। बीफ के साथ हमने ले लिया है चर्बी, जितना बीफ था उससे थोड़ी सी मतलब चर्बी ले ली हमने उसको। और कीमे को हमने एक दफ़ा दो दफ़ा हमने मशीन से गुजारा दोनों चीज़ों को, और उसमें हमने डाली ग्रीन चिलीज, प्याज हमने डाल दिए उसमें पानी निकाल के, और उसमें हमने डाला हरा धनिया, डाढ़ा मिर्च, नमक, मिर्च, और हमने उसमें डाला हल्दी, और हमने डाला गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, और हमने उसमें डाला अनारदाना, और हमने उसमें डाल दिया ज़ीरा पाउडर, और हमने इन सबको मिक्स कर लिया, और हमने थोड़ी सी अजवाइन कूट के डाली है। और देखें, अब मैं आपको हमने अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और अब मैं आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ तैयार करके। सबसे पहले हमने पानी लगा लिया हाथों को, और उसकी हम गैस निकाल लेंगे जो अंदर उसकी हवा होगी कीमे की, और उसके बाद हमने पानी लगा के हमने ये शेप दे ली है। थोड़ा सा जी हमने डाला है उसमें घी कढ़ाई में, और हम इसमें ये डाल लेंगे चपली कबाब, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ये तैयार हुआ। गाइस, हमने इनमें एक अंडा भी डाला था, और हमने इनमें डाला था एक टमाटर भी हमने इसमें डाला था, और ये बनके तैयार हो गया बहुत ही मज़ेदार से। आप भी ट्राई करें, और आप प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।